आज की ये वीडियो रीजनिंग से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, हल करने पर इसका सही आंसर निकलेगा। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, श्री दिया गया है 14, 21, 29, 38, 48, 59 क्वेश्चन मार्क। कैसे हल करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले क्या करते हैं कि पीछे से कर ले, नहीं तो आगे से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 21 में से अगर 14 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ध्यान देना। 29 में अगर हम 21 घटाते, 9 में से 1 घटाओ, क्या आ जाएगा, 8। फिर 38 से अगर 29 माइनस करेंगे तो 18 में से 9 घटाओगे, क्या आएगा, 18 में से 9 घटाओगे, 9 आएगा। 48 में से 38 घटाओ, 8 में से 8 घटाओगे, 0 आएगा। 4 में से 3 घटाओ, 1 आएगा। फिर 9 में से 8 घटाओगे, 1 आएगा, और 5 में से 4 घटाओगे, 1 आएगा। ध्यान से समझिएगा, तो आपको जो है क्रम मिल गया। इसका मतलब 14 में 7 जोड़ा 21 आया, 21 में 8 जोड़ा 29 आया, 29 में 9 जोड़ा 38 आया, 38 में 48 आया, 48 में 11 जोड़ा 59 आया। उसी प्रकार हमें क्वेश्चन मार्क वाला नंबर मिल जाएगा। अब क्या, 11 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 11 के बाद 12 आता है, 12 को हम इसमें जोड़ देंगे, 9 दो 11 की 1 हासिल 1, 5 एक 6 एक 7 71। ये जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बैठेगा, यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, 71 नंबर। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज की वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।